अब मैं आपको एक हदीस सुनाने चला हूं जिसमें एक अजीब नशा सामने आता है कि ये मेहदी जब जाहिर होंगे तो किस तौर से जाहिर होंगे, उनके जहूर की कैफियत क्या होगी, कैफा यज़हरू। ये रिवायत है हजरत उम्मे सलमा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुज़ूर की ज़ौजा मोहतरमा है, फरमाती हैं उम्मे सलमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यकूनु इख्तिलाफ़ुन इंदा मौतिन खलीफतिन, मौत खलीफतिन, हुज़ूर ने फरमाया एक खलीफा की मौत पर इख्तिलाफ वाक़े हो जाएगा, खाना जंगी हो जाएगी। फयखरुजु रजुलुन मिन अहलिल मदीनति हारिबन इला मक्का, फिर मदीने के लोगों में से एक शख्स निकलेगा, भागेगा और जाकर पनाह लेगा और छुप जाएगा मक्के में। फयाती है नासुन मिन अहलिल मक्का, फिर उसके पास आएंगे अहले मक्का, मक्का के लोग। फयुखरिजूनहू, और उसे निकालेंगे, जहां वो छुपे हुए होंगे वहां से निकालेंगे। वहुआ कारेहुन, और वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं कर रहे होंगे, न वो ख्वाहिशमंद होंगे कि उनके वो हाथ पर बैठ की जाए, न वो ये चाहेंगे कि वो मैदान में आए और उनको जो है अपना लीडर माना जाए। वह हुआ कारिहुन फयुबायउनहू बैन रुकन वल मकाम, लेकिन लोग जो है फिर इसरार के साथ उनके हाथ पर बैत करेंगे रुकन और मकाम के दरमियान। रुकन वो कोना है खाने काबा का जिसमें हजरे असवद लगा हुआ है, और मकाम इब्राहिम जो है इन दोनों के माबेन जो ये इलाका है यहां पर वो बैत होगी। वयुबासो इलैह बासु मिन अश-शाम, उनके खिलाफ एक लश्कर भेजा जाएगा शाम से। नहीं कहा जा सकता कि बासी हुकूमत इस वक्त की जो है उसकी तरफ से कोई मसला इस तरह का उठ खड़ा हो, इसलिए कि अभी तो बहरहाल बासी हुकूमत वहां है। फयुख्सफ़ बिहिम बिल बैदा बैन मक्का वाल मदीना, लेकिन अल्लाह ताला उस लश्कर को मक्के और मदीने के दरमियान वादी बैदा में धसा देगा जमीन के अंदर पूरे के पूरे लश्कर को। फैजार अन्नास ज़ालिक, जब लोग ये देखेंगे इतनी बड़ी निशानी जाहिर हो गई, अताहु अब्दालु शाम व असाइब मिन अल इराक फयुबायउनहु, अब शाम से सारे के सारे जो औलिया अल्लाह हैं वो भी आएंगे और इराक से जोक दर जोक लोग आएंगे और उनसे बैत करेंगे। वयामलु फिन नास बि सुन्नत नबीहिम, फिर वो अमल करेंगे लोगों के माबैन, हुकूमत करेंगे अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक। वयुल्किल इस्लाम बिजरानिही, और इस्लाम अपनी गर्दन जमीन पर टिका देगा। वल अर्द फिल अर्द, जमीन में। फयलबसु सबअ सिनीन, फिर वो 70 बरस तक हुक्मरान रहेंगे, 7 बरस तक हुक्मरान रहेंगे। सुम्मा युतवफ़ा, फिर उनका इंतकाल होगा। वयुसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, और मुसलमान उन पर नमाज पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपके सामने नक्शा खींचा है, इससे अब मैं एक नतीजा निकालता हूं, इसे भी मेरा गुमान कहिए, इख्तलाफ भी कर सकते हैं आप, अगर उसको वजनी समझे तो कबूल भी कर सकते हैं। वो ये है कि मेरे नजदीक शाह फहद के इंतकाल पर ला मुहाला ये सूरत हाल पैदा हो जाए। वली अहद वहां है अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज, अमरीका को वो पसंद नहीं करते और अमरीका उन्हें पसंद नहीं करता, ये बिल्कुल तशतस बाम है। अमरीका ने लाजमन जिस तरीके से अपने पंजे गाड़े हैं सऊदी अरब के अंदर, अपना फौजी अड्डा बनाया है, तो आसानी के साथ वहां से अपने पंजे हटाने के लिए तैयार नहीं। एक हदीस में आता है कर्नु शैतान, नजद से शैतान का सींग बरामद होगा, वो शैतान का सींग है, जो मिसाइल वहां पर लगे हुए होंगे इस वक्त दर हकीकत वो सारे के सारे जो है वो शैतान के सींग है। बहरहाल कोशिश वो करेगा कि जैसे कि उसने जॉर्डन में किया, कितने अरसे से वहां शाह हुसैन का छोटा भाई हसन जो है वो वली अहद था, ऐन वक्त के ऊपर आकर और पता नहीं कैसी कैसी दवाइयां देकर उसे लेकर आए हैं शाह हुसैन को, मरते हुए को थोड़ा सा थोड़ी देर जिंदा रखने के लिए, और वो तब्दीली करवाकर जो है वापस ले गए। तो ये मामला हुआ है, तब्दीली करवा दी वहां तो हो गई आराम से, कोई बात नहीं। बहरीन में भी गालिबन ऐसा ही मामला हुआ है, वल्लाहु आलम, मुझे याद पड़ता है कि वो चाहते हैं कि हमारा पसंद का आदमी आए। अगर सऊदी अरब में यह काम किया गया तो उसका लाजमी नतीजा खाना जंगी होगा, इसलिए कि वहां की रिवायत की बड़ी सख्त है, बड़ी पुख्ता है। फिर यह कि वहां जो है अमीर अब्दुल्ला जो है, जो वहां पर अगरचे सिपे सालार वो नहीं है, कमांडर इन चीफ वो नहीं है, कमांडर इन चीफ तो कोई और है, लेकिन अल हरसुल वतनी जो है, नेशनल गार्ड्स, बहुत बड़ी फोर्स है वो,
असल बेडुइन फोर्स जो है सहरा के लोगों की अरब फोर्स वो दर हकीकत अलहरस उल वतनी है, नेशनल गार्ड है, और उसका कमांडर इन चीफ ये है अमीर अब्दुल्ला। तो लाजमन ये शक्ल जो है पूरी होकर रहेगी। जैसे ही ये मामला हुआ शाफत फात के इंतकाल का, तो ये इख्तलाफ होगा, खाना जंगी होगी, फिर कोई अल्लाह का बंदा जो होगा मेरे नजदीक। मैं आज से कुछ छह सात साल पहले सालाना इज्तिमा था तंजीम इस्लामी का रावलपिंडी में, मैंने उस वक्त वहां कहा था, उससे जरा अखबार में भी कुछ वो कंट्रोवर्सी आई थी कि मेरे नजदीक इमाम महदी पैदा हो चुके हैं, उनके जहूर का वक्त करीब है। और उसकी थोड़ी सी बात में मुझे मालूम हुआ कि जीन डिक्सन गालिबन नाम है अमेरिकन उसका, जिसने ये पेशेंट कोई खबर दी थी कि 1962 में आलम अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है कि जो वहां का नक्शा बदल कर रख देगा। ये जीन डिक्सन की गालिबन पेशेंट गोई है। बहरहाल मुझे उसकी पेशेंट गोई से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो जो अहवाल देख रहा हूं यानी इसराइल का कायम हो जाना और उसके बाद अब यरूशलम का मुसलमानों के हाथों से निकल जाना, और अब गोया के वो अलमलहमतुल उज़्मा जो है तुली खड़ी है, किसी भी वक्त जो है ये जो है वो लावा फट सकता है, आतिशफशा फट सकता है। तो ये तमाम हालात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि एक तो जो कुरान मजीद के इशारात मैंने आपको बताए, 14 सदियां 14 दिन में चांद का पूरा होना, वल कमर इज़्ज़त तसक 14 दिन में 14वीं का चांद, इसी तरह अब ये 14 सदियों के बाद ये सदी जो 15वीं सदी है ये दर हकीकत ज़हूर इमाम महदी की सदी है। लेकिन ये कि इमाम महदी की हुकूमत कायम करने के लिए कौन लोग आएंगे? अरब जो है वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, अय्याशी ने, दौलत ने, पैसे ने, दौलत पैसा अय्याशी उसकी वजह से खोखले हो चुके। यहां मैं आपको दो हदीसें सुनाना चाहता हूं। बहुत से होंगे, आप इत्मीनान से तशरीफ रखिए। बहुत होगी बात होगी, आप इस तरह सब्र से सुन लीजिए। मैं अब तकरीबन अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम तक पहुंच रहा हूं। सुनने इब्ने माजा की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से रजी अल्लाह तआला, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم اكرم العرب فرسا واجوده سلاحا يويد الله بهم الدين رواه ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه। जब मलाहिम का दौर शुरू होगा तो अल्लाह ताला उठाएगा एक लश्कर या लश्करों पर लश्कर मवाली में से। मवाली कौन है? अरबों ने जब फतह किया था इस पूरे इलाके को खिलाफत राष्ट्र के दौरान, और फिर वो लोग जो है एक राय तो यह थी कि इन्हें गुलाम बनाया जाए सारी आबादियों को, लेकिन यह कि हजरत उमर का इश्तिहाद था उसके मुताबिक तो उनको गुलाम नहीं बनाया गया, तो वो मवाली की हैसियत रखते हैं। अरबों में दम नहीं है, मवाली में से लश्कर उठेंगे कि जो दर हकीकत हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगे। दूसरी हदीस सुनिए, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ये इब्न माजा की रिवायत है। قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطان। लश्कर निकलेंगे, लोग आएंगे मशरिक से और वो हजरत मेहदी की हुकूमत को जमाएंगे और कायम करेंगे। अब जरा नोट कीजिए कि जजीरा नुमाए अरब के मशरिक में कौन से मुल्क हैं? तीन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये तीन सॉलिड मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम आबादी अक्सरियत। वैसे तो ये कि आगे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन वो 20 करोड़ जो है वो तो 80 करोड़ के अंदर तहलील हो जाते हैं गैर मुस्लिमों में, लेकिन यहां जो मामला है ये खालिफ अक्सरियत के। इनमें से ईरान का मामला जहां तक है नंबर एक ये कि वो शिया अकाइद के हिसार में बंद है, उससे इधर उधर होना उसके लिए मुमकिन नहीं।